अलिफ लैला अरेबियन नाइट्स। अनोखा सपना। किसी समय सैयद नामक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति बगदाद में रहता था। वह बहुत सारे जहाज़ों का मालिक था। एक बार दुर्भाग्यवश उसके जहाज समुद्र में डूब गए। वो बहुत ही गरीब हो गया। जीवन की सारी सुख सुविधाएं छिन गई। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई थी। दुख और भूख से बेहाल सैयद सोचने लगा, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। मैंने जहाज के व्यापार के लिए कर्ज लिया था, अब जहाज ही डूब गया तो कर्ज कहाँ से लौटाऊंगा? यदि मुझे पैसा मिल जाए तो इस बार मैं बहुत चतुराई से व्यापार करूंगा। ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो बहुत गहरा सपना देखने लगा। सपने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसने उसे कायरो जाने के लिए कहा, साथ ही ये भी बताया कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। जागने पर सैयद को सपने की बात याद आई। उसने सोचा, मेरा सब कुछ तो खो चुका है। धन चला गया, पत्नी चली गई, अब जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो कायरो चलना चाहिए। कम से कम एक नया शहर ही देख लूँगा। सैयद कायरो चला गया। वहाँ के लोग, उनका पहनावा, उनकी भाषा सभी अलग थे। परेशान सैयद दिन भर शहर में घूमता रहा और रात में थककर मस्जिद के सीढ़ियों पर सो गया। उसी रात मस्जिद में कुछ चोर आए। पहरेदारों ने जब उनका पीछा किया तो वह भागने में सफल हो गए। जब पहरेदारों ने सैयद को देखा तो उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। डर के मारे सैयद के हाथ पांव फूल गए, वो कांपने लगा। उसने कांपते कांपते कहा, मैं बगदाद से आया हूँ, बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं अपने सपने के कारण यहाँ आया था, कृपया मुझे जाने दीजिए। पहरेदार हंसने लगे और कहा, तुम बड़े ही मूर्ख हो, सपनों पर विश्वास करते हो। कल रात को मुझे भी एक सपना आया था। मैंने देखा कि बगदाद के घर के बगीचे में संगमरमर का फव्वारा है। फव्वारे के नीचे खजाना छुपा हुआ है। तुम क्या सोचते हो, मैं इस पर विश्वास कर लूंगा? ये बस एक सपना था। वापस तुम बगदाद जाओ, यहां कायरो में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने सैयद को छोड़ दिया और वो वापस बगदाद लौट आया। एक दिन उसे पहरेदार के सपने की बात याद आई। उसे याद आया कि उसके अपने घर के बगीचे में एक संगमरमर का फव्वारा है। उसने वहां जाकर उस फव्वारे को उखाड़ा और फिर खोदना शुरू किया। घंटों खोदने के बाद उसका फावड़ा किसी चीर से टकराया। जल्दी जल्दी खोदकर सैयद ने उसे बाहर निकाला। पीतल की एक गहरी गगरी सोने की अशर्पियों से भरी हुई थी। सैयद की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने फिर से अपना व्यापार शुरू किया और थोड़े ही दिनों में धनी हो गया। अब उसे अपने सपने की बात समझ में आ गई थी।